बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज रिटर्निंग ऑफिसर ने पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के इलीगल तरीके से कागजात मुसरत किए हैं और एक घिनौनी साजिश की है, उसकी मिसाल पाकिस्तानी सियासी तारीख में तो क्या दुनिया की सियासी तारीख में कहीं नहीं मिलती। हमें पहले से खदशा था इस बात का, इसलिए हमने ये अपील की थी कि आरोस को जुडिशरी से होना चाहिए, लेकिन हमारी वो अपील नहीं मानी गई और हमारे खदशात आज सही साबित हुए। ऐसे लोग जो इस तरह का गलत काम करते हैं और कर दिया है उन्होंने, ये साफ और शफाफ इलेक्शन कैसे कराएंगे? इंशाल्लाह हमें अल्दिया में पूरा एतमाद है और इंशाल्लाह ट्रिब्यूनल से इंशाल्लाह हमारे कागजात इंशाल्लाह मंजूर हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों से मेरी एक अपील है कि आप सबने इन सब आरोप के खिलाफ एक रिट पिटीशन करनी है, जिसमें हद तक इज्जत का दावा करना है, 10 करोड़ रुपए का हर्जाने का दावा करना है और साथ साथ अपील करनी है कि इनको टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस किया जाए। ऐसे लोग जो कुर्सियों पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकते, जो कुर्सियों पर बैठकर पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, ऐसे लोगों का इन कुर्सियों पर बैठना पाकिस्तान के लिए खतरे से खाली नहीं है और ऐसे ही लोगों की वजह से पाकिस्तान यहां तक पहुंचा है। इंशाल्लाह हम इनको सजा दिलवाएंगे, अल्दिया से सजा दिलवाएंगे और इंशाल्लाह हम ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान के कानून की धज्जियां कोई भी कुर्सी पर बैठकर इस तरह ना उड़ा सके। हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है और यकीन है, हम हक के साथ हैं, सच के साथ हैं। पाकिस्तान तरीके साफ के वर्कर्स, पाकिस्तान तरीके साफ के सपोर्टर्स मुतमईन रहें, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, इंशाल्लाह जीत हक की होगी, इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम करवा के दम लेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत वही बनेगी जिसको पाकिस्तान की आवाम चाहेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, मुझे पूरी उम्मीद और पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि अदलिया हमारे साथ ठहरेगी, अदलिया हक और सच के ऊपर इन लोगों को बेनकाब करेगी और इन लोगों को सजा देकर एक मिसाल कायम करेगी कि पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के कानून के साथ, पाकिस्तान की आवाम के जज्बात के साथ और किसी के फंडामेंटल राइट के साथ खेलना कोई मजाक नहीं है।